हेलो दोस्तों, मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 12 की मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोग पार्ट 7 को स्टार्ट करेंगे। समाकलन पार्ट 7 समाकलन स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में आपका ये चैप्टर है दोस्तों। तो क्लास 12 की हम लोग चैप्टर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और 7.1 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर 7.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 2x का यहाँ पर समाकलन करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है। जैसा कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पे देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन पहला आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है साइन 2x का हमें समाकलन बताना है। साइन 2x का समाकलन बताना है दोस्तों। हम लोग यहाँ पर मैंने पूरा बेसिक फार्मूला यहाँ पे एक साथ नहीं लिखा है, इसका रीजन है फार्मूला लिख देंगे आप याद नहीं करोगे। हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जब करेंगे और जिसका जो फार्मूला होगा वहाँ पर हम लोग बाकायदा पूरा फार्मूला भी लिखेंगे और हम लोग जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार फार्मूला लिखेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पहला फार्मूला आपके पास इंटीग्रेट साइन 2x साइन x dx का क्या होता है। अगर जब आपसे पूछ ले जाए कि समाकलन साइन x का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर माइनस का cos x आता है, कहता है माइनस का cos x और एक प्लस का c लग जाता है, कॉन्स्टेंट नेपैंग वैल्यू यहाँ पर लग जाती है। क्लियर हो गया, मतलब साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग के पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट साइन 2x dx दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, साइन 2x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को हम लोग यहाँ पे समाकलन करेंगे। जब साइन का समाकलन करते हैं तो हमने ऊपर देखा है कि माइनस का कॉस आता है और जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर आ जाता है, तो एंगल क्या है 2x है, तो 2x आ जाएगा। बात सुनवा ली है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2x है, क्या यहाँ पर 2x है, तो हम लोग क्या करेंगे अपॉन कर देंगे और 2x का हम लोग dy/dx करते हैं। अगर हम लोग 2x का d/dx करेंगे, बात समझिएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा और d/dx x का करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पावर 1 है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा जब 1 से 1 काटोगे तो 2 × 1 और x की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 आएगा और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो 2 × 1 = 2 मतलब कि d/dx जब 2x का करेंगे तो 2 आएगा। तो आप याद कर लीजिएगा d/dx x का क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x का d/dx करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर और प्लस c लगा देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/2 cos 2x प्लस c हो जाएगा। बात सुनना भी, बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा, एकदम बेसिक से बताएंगे, जो स्टार्ट किए हैं उनके लिए एकदम बेसिक होगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। मैंने बोला कि साइन टू एक्स का समाकलन करना है हमें, ठीक है। समाकलन साइन लगा दिए और डी एक्स लिख दिया है। लिखने का तरीका ये है, आप इस चीज या ऐसे नंबर दिया हुआ इस चीज को आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करिएगा, हमें इंटीग्रेट साइन एक्स का dx साइन एक्स डी एक्स का पता है, माइनस कॉस एक्स आता है। अब आप लोग बोलोगे सर जी यहाँ पर तो आपने 2x का कर दिया है तो ऊपर भी तो x का होगा। हाँ बिल्कुल होगा, अगर ऊपर x का d/dx करोगे, अभी हमने कहा कि x का d/dx x का क्या होता है, 1 होता है। मैंने पूरा सॉल्व किया है, देख रहे हो मैंने पूरा सॉल्व किया, 1 होता है। तो बटे जब अपॉन 1 करोगे तो 1 से डिवाइड करोगे तो यही आपका आंसर आएगा ना, तो इसलिए 1 साइलेंट होता है, इसलिए हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई और भी नंबर होता है तो क्या होता है, यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है। बात क्लियर हो गई, बात यहाँ तक क्लियर हो गई, तो इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा दिया हुआ है cos 3x का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है, ठीक है, अवकलन नहीं करना है। मेरे पास समाकलन cos x dx का अगर आपको करना होता है तो cos x का क्या होता है, sin x होता है,
बात सुन रहे प्लस सी लगा देते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया है, इंटीग्रेट cos x dx का बराबर क्या होता है, sin x plus c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, तो क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट cos 3x और dx, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, cos का करेंगे, cos का क्या होता है, cos का यहाँ पर क्या होता है, sin होता है, तो sin 3x आ जाएगा, बात समझ आ गई। हम लोग क्या करेंगे, 3x का ddx कर देंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ddx कर दोगे कितना आएगा, बोलोगे सर ये 3x है, x का 1 आ जाएगा, तो 1 * 3 कितना जाएगा, 3 यहां डिवाइड में आ जाएगा, फिर प्लस का c आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1/3 sin 3x plus c आ जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर आपका आ चुका है, तो ये आंसर नोट कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरा पार्ट करते हैं। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे होंगे, तीसरा क्वेश्चन इसका है, इसका नंबर तीसरा क्वेश्चन है आपका a^2x, इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, अगर इंटीग्रेट e^x dx का होता है तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग e^x का इंटीग्रेट समाकलन करते हैं तो e^x ही आता है और एक कांस्टेंट वैल्यू c लग जाता है, प्लस c लगा देंगे, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल फाइनल लेंगे, फिर e^2x लिखेंगे और dx लिख देंगे। सबसे पहले e के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब e का करेंगे तो क्या जाएगा, अभी आपने देखा कि e के लिए तो 2x आ गया, e^2x आ गया है, और जब हम लोग 2x का ddx करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, 2 नीचे अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो प्लस का c आ जाएगा। तो देखिएगा e^2x मल्टीप्लाई 1/2 फिर प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए आप, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन है और एक फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होता जा रहा है, ठीक है। तीन क्वेश्चन हो गए हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा क्या दिया हुआ है, ax plus b दिया हुआ है और पूरे पावर 2 दिया हुआ है, ax plus b पूरे पावर 2 मतलब ax plus b का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके पास समाकलन इसका करना है, इसका समाकलन करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, x की पावर n dx का समाकलन करना होता है तो हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर फिर यूज करते हैं पावर में एक ऐड करेंगे और सेम पावर हम लोग नीचे यहाँ पर उतार लेंगे। x की पावर n है तो पावर में 1 ऐड कर दिया है तो x की पावर n प्लस 1 हो गया और अपॉन वही पावर सेम नीचे उतारने n प्लस 1 आ गया है और एक कॉन्स्टेंट वैल्यू सी जरूर लगता है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। तो हम लोग के पास सवाल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा बेसिक देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए एक्स दिया हुआ है प्लस का बी दिया हुआ है और पूरे पावर यहाँ पर 2 दिया हुआ है और डी एक्स लिख लेंगे। बात समझ आ गई, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो देखिएगा अभी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स कंपेयर करो, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, x की पावर n, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, x लिखा है, x की पावर n मतलब 2 लिखा हुआ है, x की पावर 2 लिखा हुआ है, अगर x की पावर 2 होता तो क्या होगा, एक पावर ऐड होगा तो x स्क्वायर क्या जाएगा, क्यूब हो जाएगा, x की पावर 3 और वही पावर नीचे आ जाएगी, कितनी पावर ऊपर, 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, x की पावर 3/3 यही आएगा ना, x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x की पावर 3/3 हो जाएगा। तो आपने इसको पूरे x माना, फिर पूरा लिखो, ये पूरा क्या है, x है और इसकी पावर क्या होगा, 3 होगा, कैसा है, पावर में 1 ऐड कर दिया है और वही पावर आपने क्या किया है, नीचे उतार लिया है। अभी हमने क्या किया है, पावर का इंटीग्रेट किया है, अभी हमने क्या किया, पावर का इंटीग्रेट किया है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका करेंगे और हम लोग इंटीग्रेट बाद वाले का करते हैं तो वो क्या होता है, d/dx करने के बाद जो वैल्यू आती है वो नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर ए एक्स का इंटीग्रेट क्या होगा भाई, ए तो बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, एक्स का क्या होगा, 1 होगा और बी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात सुनना गई ax लिखा हुआ है तो a का नहीं होगा, d/dx x का क्या होता है, अभी हमने बताया 1 होता तो a हो जाएगा
और डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू का क्या होता है, जीरो होता है, तो बी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा, फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/3 और ए, तो यहाँ पे 1/3 ए होगा और मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस का बी पूरे पावर 3 और प्लस का सी लगा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ आए वहाँ जरूर पूछ लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट साइन 2x माइनस का 4 e की पावर 3x दिया हुआ है और डी एक्स दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं इसको ब्रेक करना चालू कर देते हैं। जब हम इसको ब्रेक करें साइन 2x आएगा और डी एक्स लिख देंगे इसको, फिर बीच में क्या है माइनस का है, फिर इंटीग्रेट 4 e की पावर 3x डी एक्स लिख दिए हैं। ये बात समझा गई, मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जब ऐसा लिखेंगे, अभी हमने देखा है कि साइन 2x का क्या होगा, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमने कहा है कि जब जब आपका फॉर्मूला आएगा तब तक मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगर आपके पास इंटीग्रेट समाकलन साइन एक्स डी एक्स का आएगा तो इसका क्या होगा, साइन में क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है, कॉस एक्स होता है। बात समझा भी, माइनस में, ठीक है, बात समझा भी यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लस सी लग जाएगा, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। और अगर इंटीग्रेट ई की पावर एक्स है डी एक्स होता है तो क्या आता है, ए की पावर एक्स प्लस सी आता है। बात समझा गई, बात समझा गई, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले जब यूज होंगे तो हम लोग इसमें फॉर्मूले जब अप्लाई करेंगे, साइन का क्या होगा, माइनस का कॉस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब 2x का क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, तो एक्स का क्या होता है, 1 होता है, तो बच्चा क्या 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, फिर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 4 बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेट नंबर का इंटीग्रेट नहीं करते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, e के पावर 3x बचेगा dx। बात सुनना भी, अभी हमने इसको 4 बाहर किया, इसका तो इंटीग्रेट इसका समाकलन कर दिया, इतना ही आएगा। अब हम इसका करेंगे, यहाँ पर क्या गया 1/2 माइनस का, फिर cos 2x आया है, फिर माइनस का 4, इसका इसका करोगे कितना आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेट e की पावर x होता तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर 3x आएगा, 3x का क्या हुआ, 3 आ जाएगा और प्लस का सी लगा देंगे। अब इसको हम यहाँ पर सही से लिख देंगे, नीचे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर दिखेगा माइनस का 1/2 cos 2x आएगा, फिर माइनस का 4/3 e की पावर 3x प्लस सी आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया है। तो आज 7.1 के चैप्टर को स्टार्ट किया था और 5 क्वेश्चन हमने यहाँ से करा दिए हैं। 5 क्वेश्चन आप इसको देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, अगर उन 5 क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो दोस्तों जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट में पूछ सकते हैं आप, टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, हम लिंक वहाँ पर जरूर दे देंगे, तो आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके पूछेंगे तभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और समझ में आया होगा तो जरूर आप सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। हम लोग आगे कल मिलते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।